हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस एंड इन द क्लास ऑफ यू पी एस सी सीज हैटेंट टुडे वी विल डिस्कस सम एंड क्वेश्चंस ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है ठीक है दो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज नंबर सिस्टम से रिलेटेड है तो मीन्स दोनों का कंसेप्ट को कम्बाइन करके भी क्वेश्चन आ जाता है ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन एल सी एम एच सी एफ पे बेस्ड आ जाते हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर एल सी एम एच सी एफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे ओके सो लेट अस स्टार्ट हाँ जी उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि आ, अभी पीडिया की तरफ से हम आप लोगों के लिए एक लाइव कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर आ, हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं कंप्लीट सिलेबस कवर करवा रहे हैं द क्लाइस विल बी द क्लास विल बी ऑन लाइव मोड लाइव क्लासेस है बेटा ठीक है ना तो जब लाइव क्लासेस हैं दैट मीन्स कि आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप क्लास के अंदर क्लियर कर सकते हो ओके okay? तो लाइव क्लासेस जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ओके okay? अब हर एक लेक्चर के साथ में आपको यहाँ पे वेब नोट्स अटैच मिलेंगे साथ साथ में हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट अटैच है सो दैट कि आफ्टर क्लास यू कैन अटेम्प्ट टेस्ट एंड यू फाइंड कि कितना आपका टॉपिक पर्टिकुलर प्रिपेयर हुआ है ओके okay? तो इस तरह से आपका ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है सो so दैट कि आप अच्छे से सी सेट के लिए प्रिपेयर कर सको ओके बिकॉज सी सेट इज़ अवर फर्स्ट स्टेप टुआर्ड्स योर जर्नी बिकॉज अगर हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तो हमारा जी के पेपर का कुछ नहीं हो पाता दैट मीन्स कि प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट स्टेज अपनी सी सेट है ओके okay ना अगर हमारा सी सेट क्वालिफाई है तभी हमारा जी का पेपर का फायदा है ठीक है ना अदरवाइज एवरीथिंग इज वेस्ट तो सभी ने क्या करना है सी सेट पे अच्छे से फोकस करना है अभी टाइम है बाद में मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की सारी, सारी की सारी कंसेंट्रेशन जीएस के सब्जेक्ट्स पे होती है और फिर आप सारा का सारा उसी पे फोकस करने लग जाते हो तो अभी टाइम है पूरा टाइम है आप लोगों के पास में 2023 के एग्जाम के लिए अभी आप सी सेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो ओके okay? तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो सो नाउ लेट अस मूव द क्वेश्चन है जो स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास में फाइव एस

ठीक है तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये हर नौ सेकंड के बाद में बज रही है ये सिक्स सेकंड के बाद में ये सेकंड 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 देन देन ओके एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन ए स्पैन ऑफ वन आर एक्सक्लूडिंग द टोल एट स्टार्ट कह रहे कि जो स्टार्टिंग टोल है वो आपको एक्सक्लूड करना है अब ध्यान रखना है कि अभी डिटेल में बताऊंगी अभी इस क्वेश्चन को पहले तो ये देखिए जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस तरह से है जिसके अंदर आपको क्या मिल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इवेंट्स हो रही है और वो इवेंट्स दोबारा से सारे के सारे इकट्ठे कब होंगी तो उस केस के अंदर ध्यान रखो करना क्या आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और जो आपका एलसीएम आएगा आफ्टर दैट टाइम दे विल टोल अगेन साइमल्टेनियसली ओके तो यहाँ पे बेटा अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ एलसीएम एलसीएम अगर हम यहाँ पे देखते हैं किसका नाइन सिक्स फोर टेन एंड एट का एलसीएम तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा दिस विल बी थ्री सिक्सटी एल आई थिंक सभी को कैलकुलेट करना आता है सभी कर लेंगे थ्री सिक्सटी विल बी द सी दैट मीन्स कि आफ्टर थ्री सिक्सटी सेकेंड्स दे विल टोल अगेन साइमल्टेनियसली सारी की सारी कट्ठियाँ थ्री सिक्सटी सेकेंड्स के बाद में बजेंगी अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करती हूँ देन दिस इज सिक्स मिनट्स में की हर सिक्स मिनट के बाद में बजेंगी अब यहाँ पे टाइम के, के अंदर कितनी बार बार ठीक है one hour. One hour, that means की की के के बाद बाद एक अगर मैं कि डिवाइडेड बाई सिक्स कर दें दैट मीनस की टेन टाइम्स दे टोल टूगेदर ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास में एक्सक्लूडिंग द टोल At start. Start वाला आपको नहीं 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 करना, that means your answer will be 10. अब कई बार ध्यान देना आपने के के अंदर, question के अंदर बेटा ये 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 वाली जो line है है, होती, सिर्फ क्वेश्चन इतना फर्स्ट को कंसीडर करना है अगर लाइन गिवन नहीं है इन दैट केस आंसर क्या होगा आपके पास में इलेवन टाइम्स अगर आपके पास में गिवन है क्या

Uh, यहाँ पे आपके पास में कुछ नंबर्स गिवन है द नंबर्स आर एंड कह रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर आपको बताना है कि जब आप इन नंबरों से अगर उनको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास में हाँ जी रिमाइंडर फोर बचता है हर एक केस के अंदर तो यहाँ पे देखो दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे हैं आपके दिस, जो आपके पास में रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है दिस इज फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड दिस इज फ्रॉम एल सी एम एच सी एफ ओके

एटीन से देखेंगे नहीं थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स नाइन्टी यस नाइन्टी विल बी द एलसीय ओके योर एल्सीम विल बी नाइन्टी दैट मीन्स कि नाइन्टी एक ऐसा नंबर है दैट इज डिविजिबल बाई सिक्स दैट इज डिविजिबल बाई नाइन दैट इज डिविजिबल बाई फिफ्टीन एज वेल एज दैट इज डिविजिबल बाई एटीन ओके सभी से डिविजिबल है ये अब बट इसने क्या कहा कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए हमारे पास में फोर अगर उसने कहा है कि रिमाइंडर फोर बचना चाहिए दैट मीन्स कि जो मेरा नंबर है ठीक है जो हमारे पास में नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा दैट विल बी 94 दैट मींस कि 94 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 4 बट वहां पे साथ में एक और पॉइंट ऐड हुआ है क्या पॉइंट ऐड हुआ है लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 भाई 7 का मल्टीपल होना चाहिए क्या होना चाहिए 7 का मल्टीपल होना चाहिए तो अब हम यहां पे देख रहे दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7 दैट मींस कि ये तो अपना आंसर नहीं होगा

Okay, then we will, uh, apply 3. 3 को अगर हम हम करते हैं हैं तो कितना आ जाएगा? अब 274. 274. Okay, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं. 4. K की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी 4. तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री सिक्सटी प्लस फोर दैट मीन थ्री सिक्सटी फोर एंड दिस इज डिविजिबल बाई सेवन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई सेवन डिविजिबल है 7 से, that means कि यही आपका आंसर होगा आंसर पे क्या आ जाएगा आपके पास थ्री सिक्सटी फोर करेक्ट आंसर ओके यस नेक्स्ट कह रहा बताओ कि एल सी एम यहाँ पे क्या होगा the largest of two numbers पूछा गया तो हमेशा ध्यान रखो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो नंबर है उनका एच सी एफ आपको गिवन है एच सी एफ गिवन है कितना 23 उनके जो दो फैक्टर्स हैं वो भी आपके पास में गिवन है कितने 13 एंड 14 तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर क्या बनेगा जो एचसीएफ है दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ यू ऑल द फैक्टर्स दैट मींस कि अगर मैं इसको 23 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में नंबर आ जाएगा कितना आ गया 23 3 uh, 69 एंड दिस विल बी 9 299 अगर इसको हम ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास में तेईस नौ नौ और तीन बारह तीन सौ बाईस तो हमारे पास में बेटा ये दो नंबर्स आ गए सेवेंटी टू अब हमारे पास क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ द टू नंबर लार्जर दिस इज स्मॉलर दिस इज लार्जर सो योर आंसर विल बी थ्री ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर डन यस नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास इन ए स्टोर देयर आर थ्री फोर्टी फाइव लीटर मस्टर्ड ऑयल ऑयल्टी लीटर सनफ्लावर ऑयल टू ट्वेंटी सोयाबीन ऑयल ओके एंड देन वट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर टू मेजर द अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ ऑयल कह कि इनको कंटेन कर कौन सा एक कंटेनर आपको यूज करना पड़ेगा जो सबको मेजर कर ले दैट मीन्स कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इसको भी डिवाइड आउट कर 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 पूरा -पूरा कर है। है? करना पड़ेगा सोचिए क्वेश्चन को देख के आपको नहीं पता होता यहाँ पे क्वेश्चन किस पे बेस है बट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट आपको क्या करना है एच सी एफ कैलकुलेट करना है क्या करना है एच सी एफ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बेटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आएगा दिस विल बी इक्वल टू एच सी एफ ओफ थ्री फोर्टी फाइव एंड वन ट्वेंटी को कैलकुलेट कैलकुलेट कर सकते हैं HCF. तो यहाँ पे अपने पास HCF अपने पास पास में बेटा बनेगा फिफ्टीन विल बी आंसर एच सी एफ सभी कर लेते हो ना कैलकुलेट देखो बेटा देखो कैसे करेंगे एक में बता देती फिर भी कोई भी दो नंबर ले लीजिए कोई भी दो नंबर ले लीजिए जैसे हमने यहाँ पर लिया थ्री फोर्टी फाइव और इसको हमने वन ट्वेंटी से डिवाइड किया कितना आगे आपके पास में दो सौ चालीस आगे ओके अब क्या होगा जो आपके पास रिमाइंडर बचता रिमाइंडर विल बिकम द द डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड ओके जाएगा आपके पास दिस विल बी फिफ्टीन है? जब तक कि आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं बच जाता जिस स्टेप पे रिमाइंडर जीरो रहेगा उस पर्टिकुलर स्टेप पे चेक करिए क्या आ रहा है आपके पास में डिवाइजर 15 दैट मींस कि एच क्या हो गया आपके पास 15 ओके okay? अब उसके बाद में उसको चेक करो जो थर्ड नंबर गिवन है उसके साथ में वो डिविजिबल है हमें पता है 15 15 20 225 होता है दैट मीन्स अगेन दिस इज डिविजिबल सो योर विल बी फिफ्टीन

डिफरेंस वन नाइन्थी फाइव दैट मींस दिस विले यहां से जब हम तो यहां पर बेटा ए की वैल्यू क्या by 2, that means की okay? कितना आगे कितना आ गया आपके पास में ट्वेंटी फाइव एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्टी फोर्टी बाई टू दैट मीनस की ट्वेंटी वी हैव टू नंबर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी अब करना क्या आपको फाइंड द एल सी अब एल अगर मैं देखूं एल 25 एम और 20 का एल क्या आएगा दिस विल बी 100 सो योर आंसर विल बी 100 100 विल बी द करेक्ट आंसर डन यस नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी कुछ समझ आ रहा तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ओके okay? जो न्यू यूजर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी नोटिफिकेशन बेल पे भी सभी क्लिक कर लेंगे सो so दैट कि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके वो सभी जैसे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका ओके सो नेक्स्ट देखते हैं three, आपके पास में और उनकी रेशियो क्या गिवन है three, ratio, कि जब भी आपके पास में रेशियो है दैट दे आर द द नॉट एग्जैक्ट वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉन्सटेंट के साथ में वो मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री के और फोर के है ओके okay? और हमेशा ध्यान रखो अगर आपके पास रेशियो में कोई वैल्यूज है तो उसका एच सी एफ हमेशा कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है ठीक तो है तो एच सी एफ किसके इक्वल है बेटा कॉन्स्टेंट के इक्वल है और कॉन्स्टेंट के आपके पास के है और ये क्या गिवन है यहाँ पे आपके पास फोर है ओके okay? तो नंबर्स बेटा यहां पे क्या हो जाएंगे आपके पास के की वैल्यू क्या है फोर दैट मीन दिस इज 12 एंड दिस इज सिक्सटीन एंड वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द एल सी एम एल सी एम एल सी एम ऑफ ट्वेल्व एंड सिक्सटीन दिस विल बी फोर्टी एट सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए फोर्टी एट विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखिएगा थ्री each विच आर को प्राइम्स विच आर को प्राइम्स टू इच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर थ्री of the थ्री numbers इज अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्या कह रहा है? देखो दो नंबर है आपके पास में मान लीजिए मेरे पास में नंबर है ए बी और सी ठीक है थ्री नंबर अब उसने क्या कह रहा है? को प्राइम है को प्राइम दैट मीन्स की को प्राइम का मीनिंग क्या होता है That means their HCF is equal to one. HCF क्या है? One है means की तीनों नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते cancel out नहीं होते, okay? अब उसके बाद में क्या, क्या हमारे पास में ए इंटू बी क्या है फाइव फिफ्टी वन है ठीक है एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू दैट मीन्स की बी इंटू सी की वैल्यू क्या है बेटा ओके okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमन वैल्यू कॉमन फैक्टर कौन सा आ जाएगा बी इज द कॉमन फैक्टर बी इज द कॉमन फैक्टर है बी हाँ तो है बी यहाँ पे भी है, B, यहाँ पे भी है. कि इन दोनों के अगर फाइंड आउट कर, कर लू तो मुझे क्या मिल जाएगा बी की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज दिस इज द कॉमन फैक्टर HCF का मीनिंग क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ना ओके okay? तो यहां पे देखिए अगर मैं इन दोनों का एच सी एफ फाइंड आउट करती हूँ किसका वन जीरो सेवन थ्री एंड फाइव फाइव वन का एच सी एफ हम फाइंड आउट कर लेंगे सो आई थिंक एच सी एफ सभी को फाइंड आउट करना आता अभी मैंने आपको मेथड बताया उस तरीके से आप एच सी एफ फाइंड आउट कर लोगे हाँ जी एच सी एफ फाइंड आउट कर लेंगे एच सी एफ बेटा यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा एच सी एफ विल बी ट्वेंटी नाइन एच क्या रहेगा आपके पास 29 रहेगा सभी को आता है एच फाइंड आउट करना अगर एच फाइंड आउट करने में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वैसे तो बेटा देखिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आई थिंक सभी को आता है फिर भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको तरीका बताया ठीक है ना तो एच आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो वैसे ही आपका आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है दैट मीन्स जो आपके पास में यहाँ पे जो ट्वेंटी है वो किसकी वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 29. अभी मैंने आपको बताया कि ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 551 फिफ्टी वन है b इंटू सी की वैल्यू क्या है आपके पास 1073 जीरो सेवन थ्री बी की वैल्यू क्या है 29. अब a की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो 551 फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू ठीक है कितना आ जाएगा दिस विल बी वन नोन मे की कितना आ जाएगा आपके पास नाइनटीन

सो so, पे वैल्यू क्या आ गई बेटा थर्टी सेवन तो हमें तीनों नंबर्स मिल गए ए बी सी तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि हमने ये देखा कि जो बीच का एक नंबर है वो कैसे मिल रहा है हमें क्योंकि वो दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर का मीनिंग होता है एच सी एफ तो हमने दोनों का एच सी एफ फाइंड आउट करा और हमें बी की वैल्यू मिल गई अब बी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे गिवन था आपके पास में कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन गी वी कैन कैलकुलेट फॉर ए एंड सी आ गई हमारे पास वैल्यूज आफ्टर दिस क्या कर सकते हैं यहां पे आपसे पूछा क्या गया कि सम ऑफ थ्री नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है अब इन सबका सम कर लीजिए दिस विल बी नाइनटीन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी सेवन कितना हो जाएगा नोर नो अठारह और सात पच्चीस पाँच छ और दो आठ कितना हो गया बेटा एट्टी फाइव हो गया सो एट्टी फाइव विल बी द करेक्ट आंसर एट्टी विल बी द करेक्ट आंसर डन नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थ्री ऑफ टिम्बर, थ्री पीसीस ऑफ टिम्बर 84 मीटर 98 मीटर एंड 126 मीटर लॉन्ग हैव बी डिवाइडेड इनटू प्रैंक्स ऑफ सेम सेम लेंथ। लेंथ के प्रैंक आपको यहाँ पे बनाने हैं तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ इच प्रैंक लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ यहाँ पे क्या होगी तो जब भी अपने पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे हम सोचिए पहले LCM निकालेंगे बेटा एच देखो, एक ये एट्टी 84, ठीक है एक ये है हमारे पास 98, ओके और एक ये है जो क्या है 126। जब प्रैंक बनाने तो हम सबको यहाँ पे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी मेजर कर सके ऐसे ऐसे सेम वैल्यू इसको भी मेजर कर सके सेम वैल्यू इसको भी मेजर सक कर सके मीन्स कि कोई भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए तो दैट मीन्स ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल दो तीनों को डिवाइड करें ठीक है तो यहाँ पे अगर हम इस तरह का नंबर चाहिए दैट मीन्स वट कि एक तीनों में कॉमन फैक्टर चाहिए मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए दैट मीन्स क्या फाइंड आउट करेंगे एच सी एफ क्या कैलकुलेट करोगे बेटा एच सी एफ 84, फोर नाइंटी एट एंड वन सभी कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में जो रिक्वायर्ड लेंथ है दैट विल बी 14। रिक्वायर्ड लेंथ विल बी 14। ओके okay? नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वैन ईच बॉक्स वैन ईच बॉक्स फाइव और सिक्स डॉक्टर बच रहे हैं अगर एक बॉक्स के अंदर फाइव फाइव डालते हैं डजन के अंदर तो क्या कह रहे हैं कि थ्री डजन फिर भी बच रहे हैं है, तो भी तीन बच रहे हैं दे आर फॉर बिगर बॉक्सेज आर टेकन टू पैक एट और नाइन डॉफ़ल एट और नाइन के फॉर्म में अब अगर एट एट डजन हम उसके अंदर पैक कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं

तो पूरे पूरे के लिए एलसीएम फाइंड आउट करोगे फाइव सिक्स और दूसरा क्या गिवन है आपके पास एट एंड नाइन कितना आ जाएगा आपके पास में एलसीएम यस yes, ये आ जाएगा बेटा नो तो है ही इसके अंदर तो पांच है नो पैतालीस यस दिस विल बी थ्री सिक्सटी ओके कितना 360 आ जाएगा थ्री okay? सिक्सटी आ जाएगा ओके अगर बात कन्फर्मेशन कर रहे हो तो जैसे हम डायरेक्ट एल सी एम या एच सी एफ निकालते हैं तो कन्फर्मेशन के लिए क्या कर लिया करो उसको डिवाइड करके देख लिया करो जैसे थ्री सिक्सटी गया फाइव से डिविजिबल है सिक्स से भी डिविजिबल है एट से भी डिविजिबल है नाइन से भी दैट मीन्स की थ्री सिक्सटी इज द एल सी एम बिल्कुल करेक्ट है ओके दैट मीन्स की थ्री सिक्सटी अगर मेरे पास में एप्पल है तो अगर मैं उनको अगर उनकी मैं पैकिंग करती हूँ फाइव फाइव डजन करके तो भी पैक हो जाएंगे सिक्स सिक्स डजन पैक करती हूँ तो भी पैकिंग हो जाएगी एट एट और नाइन नाइन भी देन ये क्या कह रहे कि थ्री हर बार बच रहे हैं थ्री डजन हर बार बच रहे हैं। That means कि हमारे पास में एप्पल्स कितने हैं टोटल कितने हैं कितने जो थ्री है, उनको भी तो हमने काउंट करना है तो कितना आ गया 360 थ्री सिक्सटी so, थ्री सो आंसर विल बी थ्री सिक्सटी थ्री ओके थ्री सिक्सटी थ्री विल बी द करेक्ट आंसर

बट ही हैड ऑलवेज थ्री लेफ्ट विद हिम बट हर बार उसके पास में क्या बच रही थी थ्री बच रही थी. अब ये देखिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा सा क्वेश्चन नहीं बन गया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा सही है ठीक है दैट मीनस कि क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे और प्लस क्या कर देंगे बेटा थ्री कर देंगे तो यही आ रहा है ऑन ट्राइंग सेवन अब एक और पॉइंट यहाँ पे गिवन है क्या कह रहे हैं ऑन ट्राइंग सेवन ही हैड नन ले बट अगर हाँ उसने सात ट्राई करी सात ट्राई करी तो वो पूरे का पूरा हो गया कह रहा है कि अभी कुछ भी नहीं बचा उसके पास में That मीन्स कि जो नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए सेवन से डिविजिबल होना चाहिए तो याद करो अभी मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन कराया था नहीं थर्ड क्वेश्चन था आई थिंक सेकेंड थर्ड क्वेश्चन था तो उसके अंदर भी यही कुछ था कि हाँ जी इन इन नंबर से डिविजिबल है ठीक है वो नंबर चाहिए बट वो सेवन का भी डिविजिबल होना चाहिए इस तरह कुछ था ना देखो अभी एक बार बैक जाते हैं हम यस yes, एक बार बैक जाते हैं बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को कराया है यस दिस इज द क्वेश्चन है ना बिल्कुल सेम टाइप है अब यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट आपके पास में डायरेक्टली नंबर के फॉर्म में गिवन है यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट नंबर के फॉर्म में बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट कैसे आ गए हाँ जी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए गार्डनर एंडसर बैंड ऑल ये इस तरह से कुछ गिवन है है ना तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कर लेंगे वही करना रहे क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एल हाँ. किनका किन का यस एट ट्वेल्व एंड सिक्सटीन का निकाले क्या आएगा सोलह दोनी बत्तीस सोलह ती अड़तालीस यस फोर्टी एट आ जाएगा बेटा है ना फोर्टी एट आ जाएगा डन दैट मीन्स कि मेरे पास में नंबर ऑफ सर्ब्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे फोर्टी एट ए प्लस कितनी बच रही थी आपके पास पे के क्यों ले रही है। अगर मैं वैसे ही कहूँ तो मैं कहूंगी कि मेरे पास मेरे पास पास में में क्या क्या आएगा नंबर नंबर आ जाएगा आ, दिस विल बी आ, 51. Yes, पूरी जा रही है ना दैट मीन कि सेवन से डिविजिबिलिटी चेक करनी है अगर मैं यहाँ पे के वैल्यू लेती हूँ वन तो उस केस में मेरे पास क्या आएगा फिफ्टी वन फिफ्टी वन इज नॉट डिविजिबल बाई सेवन दैट मीन्स कि ये नहीं आएगा अगर मैं के की वैल्यू लेती हूँ बेटा टू ठीक है टू लेंगे तो कितना हो गया आठधुनी सोलह ठीक है और ये हो गया नो प्लस तीन छियाँ नाइनटी नाइन क्लियर बट अगेन आपके पास में डिविजिबल नहीं है सेवन से तो इसी तरह से जब हम वैल्यूज को ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में अगर आप लेते हो यहाँ पे बेटा हम के की वैल्यू अगर लेते हैं थोड़ा सा ना सारे के सारे ट्राई करने की जरूरत नहीं होती सारे ट्राई करने की जरूरत नहीं है जस्ट चेक की आपके पास में ऑप्शन में क्या है ठीक है तो ऑप्शन में आपके पास में सबसे पहले वैल्यू दे रखी वन फोर्टी सेवन दे रखिए वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन दैट मीन्स की अगर मैं फोर ट्राई करती हूँ ठीक है तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी यस आठ सौ की बत्तीस नहीं फोर से नहीं जाएगा ये अपना थ्री से अपने पास में सेवन के बाद थ्री ट्राई करो इसको ठीक तो है तो ये क्योंकि आठ या चौबीस बारह बारह और दो चौदह प्लस थ्री कितना आ गया वन फोर्टी और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या है है डिविजिबल क्लियर आंसर आ जाएगा आपके पास में वन फोर्टी सेवन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास टाइम लग जाता है रीजन बिंग कि हम के की वैल्यू पुट करके देखते हैं ठीक है ना के, के लिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बट अगर हम बाई ऑप्शन जाए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूज है वो हंड्रेड से अबव है तो आप सीधा टू को और वन को तो छोड़ ही दो कि हाँ जी और की की वैल्यू तो पुट करने जरूरत ही नहीं है सीधा नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई करो ओके और दूसरा क्या कर सकते हो आप ऑप्शन जा सकते हो ऑप्शन जा सकते हो उसके अंदर पहले ये देखो कि सेवन से डिविजिबल नंबर कौन सा है और फिर उसके अंदर चेक करो कि भाई अगर मैं इसको एट से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में थ्री रिमाइंडर बचता है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो ओके सो स्टूडेंट्स आज के क्लास के अंदर कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए बेस्ड ऑन एल एंड एच अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया कुछ समझ आया है इन दैट केस सभी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में हाँ जी सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है लाइव क्लासेज को डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है यू कैन टेक द लाइव क्लासेज सबसे पहले बेटा थ्री डेज का ट्रायल भी अवेलेबल है आप ट्रायल ले सकते हो ट्रायल ले सकते हो उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो देन अगर आपको डायरेक्टली अगर लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ आता है मैडम का तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली भी, भी कर सकते हो परचेज इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर अवेलेबल है आप वहाँ पे अपनी इंक्वायरी भी कर सकते हो देन सो थैंक यू क्लास इज ओवर